नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑरा को लेकर बात करते हैं। ऑरा पे मैंने बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं। आज हम जनरल बात करते हैं कि ऑरा कैसे हम अपनी स्ट्रांग बनाएं, किस तरीके क्या हम ऐसा करें कि हमारी ऑरा स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, और क्या हम ऐसा नहीं करें जो हमारी ऑरा को हार्मफुल हो। ऑरा हमारा ही प्रतिबिंब, हमारा ही रूप है ऑरा। अगर हमने अपने इस प्रतिबिंब को सुधार लिया तो खुद हम ही स्वस्थ रहेंगे। तो हमको स्वस्थ रहने के लिए, खुशहाल रहने के लिए अपनी ऑरा को बहुत स्ट्रांग रखना जरूरी होता है। खासतौर पे वो लोग जो रेकी में होते हैं, जो हीलिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि ऑरा को स्ट्रांग रखने के लिए या ऑरा को वीक नहीं होने देने के लिए उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उन चीजों को वो जाने। क्योंकि उनका वास्ता बहुत सारे तरह के लोगों से पड़ता है, किसकी ऑरा कैसी है, किसका क्या इफेक्ट आपकी ऑरा पे पड़ रहा है, ये सब चीजें जानना हर हीलर के लिए जरूरी होता है। तो हम शुरुआत करते हैं कि आपको अपनी ऑरा को स्ट्रांग रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे काम हैं जिनको करके आप अपनी ऑरा को मजबूत बना सकते हैं। पहली चीज, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग यानी अपने दिमाग में हमेशा अच्छी बातें सोचना। हाँ, निगेटिव जो थॉट्स हैं, फियर हुआ, वरी हुआ, किसी भी तरह का स्ट्रेस हुआ, एंगर हुआ, ये वाली ऐसी भावनाएं जो हमारी ऑरा को हार्म करती हैं। इसीलिए कोशिश हमेशा ये करनी है कि अपने विचार, अपने मन को हमेशा शुद्ध रखें। कोई भी गंदे विचार किसी भी तरीके का, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अपने मन में ना आने दें। जितने अच्छे आपके विचार होंगे उतनी ही उजाला आपकी ऑरा में होगा। तो पहली चीज ये हुई कि अपनी ऑरा को स्ट्रांग रखने के लिए आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है। हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचारों को जगह देना है। नकारात्मक ना कोई भाव रखना है, ना कोई आपको विचार रखना है। उसके अलावा खूब पानी पीजिए, पानी पीजिए जिससे कि आपकी निगेटिविटी क्लीन होती जाए। निगेटिविटी रेकी में हम और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम क्लीन करते हैं, पर ये आसान तरीका है। आप खूब पानी पीजिए, जितनी भी गंदगी आपके शरीर में होगी वो फ्लश आउट होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी गंदगी शरीर की निकलती जाएगी, अपनी आपकी ऑरा अपने आप सुधरने लगेगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, केवल एक ये नहीं कि आप मेडिटेशन करेंगे या आप रेकी से ही अपनी ऑरा को स्ट्रांग बना सकते हैं। नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम अप्लाई करते करते भी अपनी ऑरा को स्ट्रांग बना सकते हैं। अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए खूब पानी पीजिए, सारी गंदगी आपकी निकलने लगेगी। इसके अलावा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा तो उससे भी जितनी गंदगी, जो भी निगेटिविटी आपके अंदर होगी वो सब रिलीज होने लगेगी। स्ट्रेस दूर होगा, है ना, एंजाइटी कम होने लगेगी। तो जितना कम मन में और शरीर में स्ट्रेस होगा उतनी ही ब्राइट आपकी ऑरा होने लगेगी। तो एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी है, आपको प्रकृति के साथ रहना है, जितना ज्यादा समय आप प्रकृति के साथ गुजार सकें। प्रकृति तो सबसे बड़ी हीलर है। आप जितना भी वक्त आप सुबह का समय निकालिए, सुबह कम से कम आधा घंटे नंगे पांव आप घास पे चलिए। घास पे चलने से आपके फुट चक्रा भी ओपन होंगे, आपकी एक तरफ ग्राउंडिंग होती चली जाएगी, सारी निगेटिविटी अर्थ एनर्जी के साथ जुड़ जाएगी, सारी निगेटिविटी अर्थ एनर्जी में चली जाएगी, अर्थ की पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ आएगी। तो नंगे पांव घूमने से ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है। सुबह सुबह अच्छा कोई पार्क में, गार्डन में जाकर बैठिए जहाँ खूब सारे पेड़ लगे हों। अगर आप मेडिटेशन कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप प्रकृति के साथ कुछ समय गुजारिए। आप खूब सारे पेड़ों में हरी भरी घास पे जाकर बैठिए, फिर आप देखिए, अगर आप ऐसा 6 महीने करके देखिए और फिर आप धीरे धीरे परिवर्तन को महसूस करिए। इन चीजों का बहुत असर पड़ता है, लेकिन एकाएक असर नहीं दिखता। आप 2 दिन जाएंगे आपको असर नहीं दिखेगा, कम से कम आप 6 महीने जाइए, आप फिर देखिए आपके अंदर कैसी ब्राइटनेस आती है, आपका मन एकाएक खुश रहना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ क्रिस्टल्स ऐसे अपने पास रखिए जो आपकी ऑरा को स्ट्रांग बनाते हो। आप क्रिस्टल को किसी भी फॉर्म में यूज करिए। कुछ क्रिस्टल चाहे तो आप पहन सकते हैं, चाहे तो अपने पर्स में रख सकते हैं। किसी भी तरह से कुछ क्रिस्टल्स अपने पास आप रखिए। जैसे कि आप चाहें तो स्मोकी क्वार्ट्ज आप अपने पास रख सकते हैं, इससे कि ग्राउंडिंग आपकी होती रहती है स्मोकी क्वार्ट्ज से। स्मोकी एक बहुत ही अच्छा स्टोन है। स्मोकी के अलावा आप क्लियर क्वार्ट्ज रख सकते हैं, आपकी ऑरा को बहुत स्ट्रांग बनाता है क्लियर क्वार्ट्ज।
जब भी ऑरा को स्ट्रांगनेस की बात आती है, हम क्लियर क्वार्ट्ज, अमेथिस्ट ये सब यूज करते हैं, तो इनमें से जो भी क्रिस्टल आपके पास हो या आप जो रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। स्मोकी क्वार्ट्ज आपके एक और भी काम ये करता है कि सैडनेस को, किसी भी तरह का अगर दुख आपके अंदर होगा, आपकी ऑरा को कमजोर, देखिए कोई भी निगेटिव कोई भी भावना होगी आपकी ऑरा को कमजोर बनाएगी। अगर आपके अंदर कोई तरह का भी दुख छुपा हुआ है तो भी आपकी ऑरा कमजोर होने लगेगी। तो स्मोकी क्वार्ट्ज हर तरह की दुख को तकलीफ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्मोकी क्वार्ट्ज ग्राउंडिंग भी करेगा और इस तरीके से ये जो भी आपका दुख होगा उसको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये स्मोकी क्वार्ट्ज की भी बात हो गई। इसके अलावा और छोटी छोटी चीजें जैसे सॉल्ट बाथ, ये मैंने बताया हुआ है कि सॉल्ट बाथ कैसे करके आप अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। जब भी आप नहाएं, आसान तरीका, जब भी आप नहाएं थोड़ा सा पानी में नमक डाल लें आप थोड़ा देर, आधा घंटे पहले या 15 मिनट पहले सॉल्ट या तो टुकड़ों में या फिर आपके पास अगर पिसा हुआ सॉल्ट है वो वाला सॉल्ट उसमें डाल लें और उससे नहा लें। उससे नहाते वक्त खूब मन में थॉट करें, सारी निगेटिविटी साथ में बहती चली जा रही है, सारी गंदगी बहके जा रही है ऑरा की, तो इस तरह से आप सॉल्ट बात कर सकते हैं। आप घर में जब भी नहा कर आए घर में अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती का माहौल रखिए, एक प्यूरिफिकेशन होता है उससे। घर में धूप धुआं ये सब जो होता है, सुगंध जो होती है, इस सबसे आपकी ऑरा में एक शुद्धिकरण होता है, अपने आप शुद्धिकरण होता है। इन प्रक्रियाओं को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन प्रक्रियाओं को अपनाएंगे, ये सब चीजें करेंगे, तो आपको बहुत फायदा दिखेगा, आपको खुद दिखेगा कि आपकी ऑरा में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आपकी ऑरा को कमजोर बनाती है। पहली चीज, गलत लोगों की संगत में आपको नहीं रहना है। देखिए जो हम सोचते हैं वही चीजों का रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में होता है। हम गलत लोगों के साथ बैठेंगे, गलत लोगों की बातचीत को सुनेंगे, गलत लोगों के साथ बातचीत करेंगे, तो हमारा मन, हमारा शरीर भी उसी को एक्सेप्ट करेगा, तो उन्हीं चीजों का रिफ्लेक्शन हमारी ऑरा में होने लगेगा। तो जब भी आप हीलिंग में हैं, इस सब में, फील्ड में, रेकी में हैं, तो आपको कोशिश ये करना है कि गलत लोगों की संगत में आपको नहीं बैठना है, ना गलत लोगों की बात सुननी है, ना गलत कोई बात करनी है, तो ये आपको नहीं करना है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनसे आपको बचना है। टीवी हुआ, लैपटॉप, मोबाइल, इनका बहुत ज्यादा आपको यूज नहीं करना, इनको, इनसे थोड़ा सा बचना चाहिए। जितना जरूरत हो उतना आप यूज करिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर समय बचता है, अगर मान लीजिए आप टाइम पास करने के लिए लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, तो उससे बेहतर होता है कि आप अपने परिवार के साथ समय गुजारें। जितना अच्छा समय आप अपने परिवार के साथ गुजारेंगे, हंसी मजाक करेंगे, उतना ही अच्छी आपकी ऑरा होगी। हंसना जीवन के लिए वैसे भी बहुत जरूरी है, हंसने से आपकी ऑरा में भी बहुत ब्राइटनेस आती है। तो जितना समय मिले अपने परिवार के साथ गुजारने की कोशिश करिए। दूसरा, जो लोग हीलिंग करते हैं, खासतौर पर जो लोग दूसरों की हीलिंग करते हैं, वो हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी की हीलिंग करें, आप अपने आप को पहले प्रोटेक्शन शील्ड में डाल लें। अपने आप अपनी या तो ग्राउंडिंग करें अपनी पहले, या फिर अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में बंद करके रखें, क्योंकि आपकी ऑरा हर चीज रिसीव करती है, अच्छी भी बुरी भी। अगर कोई चीज, मान लीजिए आप किसी की क्लीनिंग कर रहे हैं, किसी को हीलिंग दे रहे हैं, हर व्यक्ति में से कुछ ना कुछ निकलता है, तो जब वो निकल रहा है वो आपके ऊपर इफेक्ट ना डाले, आपकी ऑरा को असर ना डाल दे। तो हमेशा हीलर्स हमेशा याद रखें कि अपनी ऑरा को, अपने आप को पहले प्रोटेक्शन शील्ड में डालें या फिर अपनी ग्राउंडिंग करें, उसी के बाद आपको किसी को हीलिंग करनी है, चाहे सामने चाहे डिस्टेंस पे। डिस्टेंस में भी आपको जब हीलिंग आप भेज रहे हैं तो दूसरे की निगेटिविटी भी तो आपके ऊपर आ सकती है, तो आपको हमेशा खुद को पहले प्रोटेक्ट करके चलना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम अपने अपनाकर, हम अपने डेली लाइफ में जिनको अपनाएं, अगर हम हीलिंग के वर्क में हैं, रेकी में हैं, तो इन सब चीजों को धीरे धीरे हमें अपने पार्ट ऑफ लाइफ बनाते जाना है, और इनका, इनसे तभी हम अपनी हीलिंग कैपेसिटी भी हमारी बढ़ेगी और हमको अच्छे रिजल्ट्स फिर मिलेंगे, है ना। अगर आप मुझसे कुछ और जानना है या पूछना चाहें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।